प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तो रिवाइज करते हैं जल्दी से एक मिनट के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचान क्या थी? रहा है, रही हूं, रहे हैं, रहेगू, राइट। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यही था ना। अब है पास्ट कंटिन्यूअस। हमने बताया था कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, तो यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान पर नजर डालें तो क्या होता है, क्या मिलेगा बच्चों वाक्य के अंत में हमको मिलेगा? रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि शब्द मिलते हैं। ये पहचान है इसकी। वह खाना खा रहा था, वह क्या कर रहा था, वह पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, ठीक है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब बच्चों होती है वॉज और वर, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल के साथ वर्क, आई के साथ वॉस का ही प्रयोग करेंगे और यू यू के साथ वर्क, क्योंकि यू को प्लूरल मानते हैं, ठीक है। और बाकी सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्क और सारे सिंगुलर के साथ वॉस। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंट्रोड्यूस हुई थी इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करेंगे दो, वॉज और वर, और वी वन प्लस आई एन जी, ठीक है। बस सेम वैसा ही है, उसी तरीके से बनेगा जैसे कि हमने पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाया था, सेम वैसे ही बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर भी वही रहेगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बच्चों कौन सी? वॉज और वर, ये बता ही चुके हैं। वॉज कहां लगाएंगे और वर कहां लगाएंगे, ठीक है। इस प्लस वी वन प्लस आई एन जी, इसमें जो है क्या करेंगे, वर की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एड करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला रहेगा। मैं जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, मैं खाना खा रही हूं, वर्तमान में काम जारी है, इस समय भी मैं खाना खा रही हूं, यही था ना। वैसे ही ये होता है, जैसे इसमें मान लीजिए इसमें भी काम जारी रहता है लेकिन पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है ना, काम कंटिन्यूअस माने जारी रहना, काम जारी रहता है हमारा लेकिन कब, पास्ट में। जैसे मान लीजिए मेरी माता जी ने मुझसे पूछा कल सुबह तुम क्या कर रही थी, रही थी आया लेकिन पास्ट में, मतलब कल सुबह क्या कर रही थी, तो आंसर आता है कल सुबह मैं पढ़ रही थी। तो यानी कि पास्ट में क्या काम जारी था, ठीक है ना, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। अब इसी को बना लेते हैं, जैसे मैं खेल रहा था। मान लीजिए प्रश्न किया हो मेरी मदर ने कि भाई कल शाम को क्या कर रहे थे, मतलब पास्ट में कल शाम को क्या कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं खेल रहा था, यानी कि पास्ट में काम मेरा पास्ट जारी था लेकिन पास्ट में, ठीक है। समय का नहीं दिया रहता है कि कितने समय से कितने देर तक, लेकिन काम जो है पास्ट में, जैसे उसमें प्रेजेंट में जारी था, जारी रहता है काम, इसमें पास्ट में काम जारी था। वॉज वर वी वन प्लस आई एन जी, तो आई, ठीक है बच्चों, आई वॉज, अब क्या है क्रिया क्या है, प्ले, ठीक है ना, प्ले प्लेड प्लेड, तो प्ले और इसमें क्या करना है प्लस आई एन जी, तो पी एल ए वाई आई एन जी इसमें जोड़ दिया। I was playing, object है नहीं, अगर object होता तो I was playing football, cricket,
जो भी, ठीक है ना। अब नहीं है तो इतना ही, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। अब इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब और प्लस यहां पर क्या लग जाएगा, नॉट, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर, राइट। मान लीजिए वह खाना नहीं खा रही थी तो शी वॉज नॉट ईटिंग फूड। जैसे इसको बनाते हैं, वह खाना नहीं खा रही थी। देखो बच्चों, रही थी पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो शी सिंगुलर है, वॉज प्लस नॉट, ठीक है, प्लस वी वन प्लस आई एन जी, शी वॉज नॉट ईटिंग और ये फूड, ठीक है। वह बाज मीरा बाजार नहीं जा रही थी, मीरा बाजार नहीं जा रही थी, नहीं लगा है, नेगेटिव है, रही थी पास्ट कंटिन्यूअस है, मीरा सिंगुलर एक वचन है, तो मीरा वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है, मीरा वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड जिनके शुरू में आ जाता है और क्वेश्चन वर्ड जिन सेंटेंस के बीच में आता है, तो जिनके शुरू में आता है, क्या वह खाना खा रही थी, तो क्या पहले आ गया है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाया था। क्या वह खाना खा रही थी तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वॉज शी ईटिंग फूड, ठीक है। चलो इसको लिख के बना लेते हैं, वह क्या वह खाना खा रही थी, क्वेश्चन मार्क, क्या वह खाना खा रही थी। देखिए क्वेश्चन वर्ब से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से बाकी को हम लोग बनाएंगे, वह सिंगुलर है तो वॉज शी ईटिंग और ये फूड और क्वेश्चन मार्क, राइट। अब वह बाजार कब जा रही थी, वह बाजार कब जा रही थी, ये है, मान लीजिए वह बाजार कब जा रही थी, क्वेश्चन मार्क कब, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेन, एक वचन है व्हेन, इसके बाद क्या सबसे क्या है इसका स्ट्रक्चर बच्चों, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो वह है सिंगुलर है, क्या आएगा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, व्हेन वॉज शी गोइंग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, व्हेन वॉज शी गोइंग टू मार्केट, समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन सी है इसकी बेटो, वॉज और वर, ठीक है, इसमें से कोई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर, इसके बाद फिर आएगा सब्जेक्ट थर्ड नंबर पर, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसमें जो है आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस।
अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। तब तक आप लोग जो है अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत सरल है। ओके बाय।